ये तो सफाई नहीं दे सके, लेकिन अडयाला जेल में सफाई का काम शुरू हो गया है। पेनामा पेपर्स केस अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुस्लिम लीग नून के इख्तदार की किश्ती डूब चुकी है। आप करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, आप सादक और अमीन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाज अल अफजल, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाज अल हसन से बदल टे रुकनी खास बेंच पानामा अमल दरामद केस की बुधनी कई। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में कायम बेंच जेआईटी की रिपोर्ट बाद पंजे दिन भी बुधनी करे केस की कार्रवाई मुकम्मल कई। बुधने दौरान वजीर आजम के औला के वकील सलमान अकरम राजा पंजा दलील मुकम्मल कया, जै बाद इसाक डार के वकील तारिक हसन बो भेरो पंजा दलील मुकम्मल कया। तहरीक इंसाफ के वकील नई बुखारी जवाब मथा जवाब दिनों, जडे शेख रशीद पिण जवाबी दलील दिना। सुप्रीम कोर्ट में बुधने दौरान वकील तारिक हसन नानेवारे वफाकी वजीर इसाक डार जो 34 साल जो टैक्स रिकॉर्ड पिण जमो करायो। बुधनी की शुरुआत में वजीर आजम के बारन के वकील सलमान अकरम राजा पंजे शुरुआती दलीलन में चयो त खमीस डी वारे बुधने दौरान नेल्सन और नेस्कोलो ट्रस्ट डेट ते गाल थी। अदालत चयो त ही जालसाजी जो केस है, पर हुन चयो त उन जी वजह थी। जस्टिस अजमत सईद उन ते रिमार्क्स दींदे चयो त इहो त हू बे ॾिसी सघन था सयूं कीअं मुख़्तलिफ़ आहिनि। सलमान अकरम राजा चयो त मायरन गलती वारन दस्तावेज़न जो जाइज़ो वरतो, कंहिं बि सूरत में जाली दस्तावेज़ ॾियण जी नियत न हुई। अकरम शेख चयो त इहे सिफ़ा गलतीअ सां लॻी विया हुआ, जेके क्लेरिकल गलती हुई जेका अकरम शेख जे चेंबर मां थी। जस्टिस अजमत सईद चयो त मसलो रुगो फोन जो ही रहिजी वियो आहे। सलमान अकरम राजा चयो त ॿियो मामलो मोकल वारे ॾींहुं नोटरी तस्दीक जो आहे। लंडन में इहो मामूलो जो कमु आहे, मोकल वारे ॾींहुं नोटरी तस्दीक थी वेंदी आहे। सोशल मीडिया ते खमीस ॾींहुं आवाम खेसि केतिरनि लीगल फर्म्स जा ब्रोशर मोकिलिया। जस्टिस अजमत सईद चयो त वॉल्यूम 10 बजे खोलियो वेंदो, जॾहिं त इहा बि ॻाल्हि नोट कई वई आहे त छंछरु ॾींहुं बि सालिस्टर दस्तियाब हूंदा। जस्टिस एजाज अल हसन चयो त हुसैन नवाज इहो कॾहिं बि नाहे चयो त संदसि सालिस्टर मोकल वारे ॾींहुं बि मौजूदु हूंदो आहे, जंहिं लाइ फर्म जा दस्तावेज़ पेश कया पिया वञनि, उहा बि तस्दीक थियल नाहे। अदालत ॿुधणी दौरान जे आई टी रिपोर्ट जो वॉल्यूम 10 पिण सभिनी जे साम्हूं खोलियो, जॾहिं त वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ जे वकील ख्वाजा आरस खे मखसूस दस्तावेज़ पढ़ण लाइ ॾिना। उन मौके ते रिमार्क्स ॾींदे जस्टिस अजमत सईद चयो त वॉल्यूम 10 में जे आई टी ख़तनि जा तफ़सील हूंदा। ॿुधणे दौरान जस्टिस एजाज अल हसन पुछियो त छा तव्हां इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ था करियो त रेफरेंस नैब खे मोकिलियो वञे, जंहिं ते सलमान अकरम राजा मौक़ुफ़ अख़्तियार कयो त संदसि जवाबु इहो ई आहे त केस जी अञा जाच थिए। जंहिं ते अदालत चयो त सलमान अकरम राजा केस जी सुठी तयारी कई आहे। जस्टिस एजाज अल हसन चयो त वज़ीर आज़म पुरसरा सबूत क़ौमी असेंबली जे स्पीकर खे ॾिना, खेन छो न पिया ॾिना वञनि। वज़ीर आज़म असांजनि असासन में पाण खे शामिलु कयो। जस्टिस एजाज अफज़ल पुछियो त छा कतरी शहज़ादो सबूत ॾियण लाइ तयारु आहे। सलमान अकरम राजा वराणियो त हू कतरी शहज़ादे बाबति कुझु बि नथो चई सघे। खेसि वीडियो लिंक जी आछ न कई वई, जंहिं ते जस्टिस एजाज अल हसन चयो त सबूत तस्लीम करण या न करण ट्रायल कोर्ट जो कमु आहे। सलमान अकरम राजा पंहिंजे दलीलनि में चयो त ॿार पंहिंजे कारोबार जा पाण ज़िमेवार आहिनि, खेनि कारोबार लाइ वसीला ॾाॾे फराहम कया, 2004 ताईं खेनि सरमायो ॾाॾो ॾींदो रहियो, जेकॾहिं पुटु मिल्कियत साबित न करे सघे त उन जी ज़िमेवारी वालदेन ते नथी अची सघे। जस्टिस एजाज अफज़ल पुछाणो कयो त अवामी उहिदो रखंदड़नि जी आमदनी असासन मूजिबि न हुजे त पोइ छा थींदो। सवाल इहो आहे त अवामी उहिदो रखंदड़ असेंबली में चयो ही उहे दस्तावेज़ आहिनि जिन मां लंडन फ्लैट ख़रीद कया विया। उन खां पोइ वज़ीर आज़म कुझु दस्तावेज़ स्पीकर खे ॾिना, पर हू हिकु साल खां उन्हनि दस्तावेज़नि जो इंतज़ार करे रहिया आहिनि। जस्टिस एजाज अल हसन रिमार्क्स ॾिना त अवामी उहिदो रखंदड़ क़ौमी असेंबली में क़ौम खे ख़िताबु कयो ऐं चयो त ॿारनि जे कारोबार जा समूरा सबूत मौजूदु आहिनि। जस्टिस एजाज अफज़ल चयो त हिते मामिलो अवामी उहिदो रखंदड़ जो आहे, हू पंहिंजे उहिदे सबबि जवाबु आहे। अदालत जेकॾहिं हुन नतीजे ते पहुचे त अवामी नुमाइंदगी एक्ट जो सेक्शन 12 लागू थींदो। सलमान अकरम राजा चयो त अवामी नुमाइंदगी एक्ट लागू करण लाइ बाक़ाइदा क़ानूनी अमल घुर्बल हूंदो। जस्टिस एजाज अफज़ल चयो त मरियम बेनिफिशियल मालिक आहे, इहो कैप्टन सफदर गोशवारनि में ज़ाहिर नाहे कयो। उन ते सलमान अकरम राजा मौक़ुफ़ अख़्तियार कयो त उन समूरे मामले लाइ क़ानूनी अमल घुर्बल हूंदो। हुन पंहिंजा दलील मुकमल कया त जस्टिस अजमत सईद खेसि चयो त अॼु हिन सुठा दलील ॾिना आहिनि। ॿुधणे दौरान इसाक डार जे वकील तारिक हसन जे दलीलनि जो वारो आयो त अदालत खां तमामु सख़्तु सवाल कया। तारिक हसन चयो त इसाक डार ख़िलाफ़ु न को केस आहे न ई सबूत, जॾहिं त जे आई टी खे रिकॉर्ड ॾिनो वियो त हिमत अफ़ज़ाई न कई वई। इसाक डार पंहिंजी छंछाण कराए थकिजी पियो आहे, इहो सिलसिलो बंदि थियणु घुरिजे। बिना जवाब हिसाब तरफ़ गेलण खेनि क़बूल न आहे।
जस्टिस एजाज अफजल समूरी लिखित वे मवाद जो जायजो वरतो वो जस्टिस अजमत सईद इसाक डार से इंसाफ किया हाँ खेन भी साणस इंसाफ कर दिनों वे उन्हें तो आईन के आर्टिकल 10A समेत केतरा ही आर्टिकल संदन आरो अड़ो फैसलो न कंदा जैसा कैंजा बुनियादी हक मुतासर थियन। जस्टिस एजाज अल हसन आईन कानून का बाह न वींदा। तारिक हसन का नैब के प्रोसिक्यूटर दलील ईंदे अदिबिया केस में अपील दाखिल कर सोचे रहा है हफ्ते अंदर केस बेहर खोलने बाबत फैसलो किया। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी पंजे जवाबी दलील में नवाज शरीफ एफजेड कंपनी जाहिर नाए कई हु कौम आडो अमीन ही सादिक नाए रहो। उन्होंने नवाज शरीफ वर्क परमिट रखण और चेयरमैन होजन वो मामलों भी लिखाया तो पगारों जो रसीदू पिण लिखाई। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल पुछो तो जैसे अवामी नुमाइंदगी एक्ट लागू थे तो मामलो इलेक्शन कमीशन हवाले न थो जैसे नईम बुखारी असा जहा न कर आर्टिकल 62 63 के दायरे में अचे तो नवाज शरीफ पांजे कसम की भनकड़ी कई। जस्टिस एजाज अल हसन पुछो तो अवामी उहदो रखंदड़ ते मुलाजमत की पाबंदी है जैसे नईम बुखारी तो मामलो मुफादन के टकराव जो है। बेंच के सरबराह एजाज अफजल पुछो तो वजीर आजम की नौकरी करण से पाबंदी है जजन से आइन में वाज पाबंदी मौजूद है। उन डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत के बुधा तो वजीर आजम से अड़ी का भी पाबंदी ना। नईम बुखारी तो बेहतर थे हाँ नवाज शरीफ यो चवे हाँ तो फ्लैट मियां शरीफ खरीद कया। जस्टिस एजाज अफजल मरियम नवाज के बेनिफिशियल मालिक तस्लीम कजे तो वरी कफालत हेठ होजन वो मामलो इंदो मरियम नवाज की कफालत हेठ होजन जा वाज सबूत ना मिलिया जैसे नईम बुखारी तो मरियम नवाज पंजे वाले की फ्रंट वुमेन है। जस्टिस एजाज अफजल तो ॾिसणो पवंदो तो नवे वारे ॾहाके में नवाज शरीफ के ॿारनि जी आमदनी जो ज़रियो हो या न। उन चयो तो मुमकिन है तो जेआईटी का गलतियां थी हुजन उन दुखिन हालतुन में जबरदस्त कम किया ऐसो पवन तो जेआईटी जो मवाद केतरी हद तक कबूलण जो है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद चयो तो जेआईटी ठहण से कमजोर अंग्रेजी जानीदड़न मिठाई विराई नवाज शरीफ जेआईटी के धमकियों दई तो इन अदालत कई। उन तो नवाज शरीफ पानामा का हुकामे तई पहतो दुबई वारन के भी घुमायो यो न बुधायो तो हू पाकिस्तान में वजीर आजम है। नवाज शरीफ उहदो छॾे रहिया तो संदस वालिद की कबर तई न वञणो पवे। वकीलन जा दलील मुकमल थियण का पोए जस्टिस एजाज अल हसन फैसलो महफूज करे वरतो। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल रिमार्क्स ना तो हू सब का अग नाली वारो मामलो दिसी रहा है। जस्टिस अजमत सईद जो चवण हो तो हू गारंटी था दियन तो वजीर आजम की नाली जो जायजो वरतो वेंदो। जस्टिस एजाज अल हसन पंजे रिमार्क्स में चयो तो हू पंजे फैसले ता पोइते ना अटंदा।